मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास को लेके बहुत लंबी चर्चा, सार्थक चर्चा सुबह से माननीय सदस्यों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिए। चूँकि हमारे उधर जनजातीय क्षेत्र नहीं है हमारे इलाके में, लेकिन कुछ सर्वे और डाटा जो है वो बड़े चिंतित करने वाले हैं, जिनकी यहाँ चर्चा हो नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के संरक्षण के लिए जितनी भी योजनाएँ चल रही है उनको लेके जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े चिंता में डालने वाले आंकड़े हैं। इन पर कोई ना कोई प्रभावी मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है। और संचालित छात्रावासों में आवश्यक संसाधन, जिनकी मांग चाहे वो तारांकित प्रश्न और जो भी चर्चाएं जो हुई विभागों की, उसको लेके अधिकतर माननीय सदस्यों ने इसको लेके चिंता जाहिर की। और सबसे बड़ी बात है कि जनजातीय क्षेत्रीय जो विकास की बात यदि हम करें तो 192 अरब और 86 करोड़ से ज़्यादा के बजट की माननीय मंत्री जी ने सुबह प्रस्ताव रखा था, बहुत बड़ा पैसा है। इस पर मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है और सफलता इनकी जो भी लागू योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, उनके ऊपर कितने हम सफल हुए, कौन कौन सी योजनाएं असफल हुई और उनका प्रतिशत क्या है, इन पे कहीं ना कहीं विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो व्यय होने वाली राशि का भौतिक सत्यापन, जिनकी सबसे बड़ी आवश्यकता आज है, और मैं एक सुझाव मंत्री जी को ये जरूर दूंगा, क्योंकि सदन के अंदर माननीय मंत्री जी सिर्फ बजट के प्रावधान की बात रखते हैं, उनके बाद चाहे वो व्यय होने वाली राशि हो या उनके भौतिक सत्यापन की बात हो, किसी भी जनप्रतिनिधि का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो भी कार्यों का जो भौतिक सत्यापन हो उनमें कहीं ना कहीं लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अधीन जितने भी छात्रावास बने हुए हैं उन छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता की समीक्षा करके आवश्यक कार्य हेतु बजट जारी किया जाए, ताकि वहाँ रहे छात्र छात्राओं को कोई असुविधा ना हो। सभापति महोदय, प्रदेश में दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित हैं, इसलिए सरकार को प्राथमिकता से उनकी बात को सुनकर सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है। जितने भी दिव्यांगजन हैं उन्हें सरकारी मद से इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाए, इसके लिए विशेष कैंपों का आयोजन, हमारे साथी माननीय विधायक इंदिराज जी ने सुबह बहुत अच्छा प्रस्ताव भी एक रखा था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग भी करूँगा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि विधायक अपने कोष से यदि इन चीज़ों के लिए पैसे देता है तो कम से कम आधा बजट सरकार दे और आधा वो दे, ताकि इस योजना को बहुत अच्छी तरह से हम लागू कर सकते हैं। क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति हैं और इनको यदि सरकारी योजना का लाभ मिलेगा तभी हम समानता और समरसता की बातें जो हम अपने अपने माध्यमों से सुबह से कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक होगी। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की त्वरित क्रियान्वयन वे जरूरतमंद लोगों को ब्लॉक स्तर पर कम समय में बेहतरीन सेवाएं देने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थापना करके ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को पद स्थापित किया जावे, क्योंकि कई जगह इनको स्थापित नहीं किया गया, जहाँ स्थापित कर दिया गया है वहाँ इनके पास कोई न तो स्टाफ है, न इनके पास कोई कंप्यूटर है, न कोई संचार माध्यम है जिनको लेकर ये इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग कर सके। माननीय सभापति महोदय, पालनहार योजना में स्वीकृत मानदेय राशि जो 500 रुपये, इसको बढ़ा के कम से कम 1000 रुपये करने की मैं निवेदन माननीय मंत्री जी से करूँगा। 1000 से 1500। राज्य सरकार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के परिवार की जो वार्षिक आय सीमा है जो 2.5 लाख सरकार ने निर्धारित की है, उसको कम से कम 5 लाख का निर्धारण किया जावे। एक माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, पूर्ववर्ती सरकारों में चलता है एक संबल गांव, जहां SC ST की आबादी ज़्यादा है, उन गांवों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज पहले दिए जाते थे विकास कार्यों के लिए, वो आजकल बंद है। तो संबल जो गाँवों को इनका पूरी सूची बना के और उनके लिए कोई विशेष पैकेज आपके माध्यम से मैं मांग करूँगा। एक
नवजीवन योजना जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट घोषणा के अंदर इसका जिक्र किया था कि जो बावरी समाज और जो हथकड़ी शराब का धंधा जो करते हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो योजना लागू की गई, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी हो, इसके अंदर समय पर अच्छे धन की भी व्यवस्था हो, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी एसबीसी और अल्पसंख्यक व अन्य श्रेणियों में दिए जाने वाले ऋणों के भौतिक सत्यापन के लिए कमेटी का गठन कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के संबंध में जो आवश्यक चर्चा की मैं बहुत जरूरत महसूस कर रहा हूं कि इनके योजनाएं बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उचित व्यक्ति को, जो वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन ऋणों को वापस भौतिक सत्यापन भी करने का कहीं ना कहीं, और उसके अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उसके अंदर स्थान दें, ये मैं मांग आपके माध्यम से करूंगा। एक गाड़िया लोअरों के लिए आवास बनाने के लिए निःशुल्क भूमि और बजट जारी करने की मांग मैं करूंगा। एक घुमंतु जातियों के लिए पट्टे जारी करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जावे। एक दलित अत्याचारों पर रोक लगाने की ठोस कार्य योजना बने। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो मांग, इस मांग को, इसको कोई, मैं, मेरी निजी राय भी है, इसके अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग जो हैं वो अपनी कृषि भूमि को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नहीं बेच सकता, उसको कई बार पैसे की जरूरत होती है। इसी कैटेगरी के दूसरे लोग जो साधन संपन्न हो गए वो इनसे सस्ती दरों पर ये जमीनें खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। कृपया समाप्त करें माननीय सभापति महोदय जी, दो मिनट। इसके अलावा ओबीसी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति जो लंबे समय से बंद पड़ी है और एक साल पूरा हो जाता है तो बजट के अभाव में वो पोर्टल पे बंद हो जाता है, ये इसका भी मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। समाप्त करें, प्लीज समाप्त करें। विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों में कटौती, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसके लेके भी कोई ठोस कार्य योजना बने और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ओबीसी के छात्रावास खोले जाएं, ये सब मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा। समाप्त करें। फूल सिंह जी, मैंने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।